हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार एंड दंडवत प्रणाम। यहाँ पर मैं सुबह सुबह लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रही हूँ, उनको नहला धुला रही हूँ। वैसे मैं पहले ठाकुर जी और लड्डू गोपाल को साथ साथ तैयार करती थी, पर कैसा है, ठाकुर जी को तैयार करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं और फिर इसलिए थोड़ा मैं साथ साथ नहीं कर पाती। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को तैयार करके थोड़ा सा भोग लगवाया है। ऐसा ही कुछ छोटा मोटा भोग सुबह मैं एकदम से निला दुला के लगवा देती हूँ कि वो रात के भूखे हैं। और यहाँ पर मैंने ठाकुर जी की तैयारी की, 10, 10:30, 11 बजे का टाइम था, थोड़ा फ्री होके। और कैसा, मैं आपसे बात कर रही थी, पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किए थे अपने एक्सपीरियंस। ऐसे मेरी लाइफ के बहुत एक्सपीरियंस हैं, पर आज ये मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो इस बार मुझे क्षमा कीजिएगा, शायद मैं आपके साथ उतनी बात नहीं कर पाऊँगी, मुझे इसमें म्यूज़िक डालना पड़ेगा। वैसे आप मेरी आवाज़ सुनेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि मैं बीमार हूँ, पर एटलीस्ट आप इतना समझ सकते हैं कि मैं बोल रही हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी तबीयत सीरियसली बहुत ऐसी फील हो रही है, मतलब एंजाइटी टाइप कुछ मूड सा ऐसा है और बस घबराहट हो रही है, कुछ मन नहीं कर रहा। तो मेरे को ये वॉइस ओवर करना था तो मैंने बोला इसको कर देती हूँ, फिर वीडियो जानी है तो लेट हो जाएगा इसको डालने में, तो इसीलिए मैं नाना करते भी सब बात किए जा रही हूँ। आप लोग वीडियो को उतना लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, बहुत 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 सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरा। पर मैं चाहूँगी कि और लोग आगे आगे भी आप लोग शेयर कीजिए और लोग भी देखें, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब यही है कि पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती किसी के साथ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे आगे अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और ठाकुर जी का श्रृंगार दिखाइए कि ठाकुर जी कितने सुंदर लगते हैं जब वो तैयार होते हैं। मैंने पहले भी कई बार बोला था कि मैं जिन आँखों से देख सकती हूँ शायद वो कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता। ये ड्रेस फुल कॉटन में है, ये मैंने खुद स्टिच की है। कभी कभी मेरे को मन आता है तो मैं स्टिच करती हूँ तो अच्छी सी स्टिच हो जाती है, किसी किसी बार कपड़ा बर्बाद हो जाता है, उससे सिली ही नहीं जाती, जबकि पहले सिलती हूँ उसी नाप से सिलती हूँ, पर वो नहीं सिला जाता और कपड़ा ख़राब हो जाता है। फिर मैं ये सोच के चुप हो जाती हूँ कि शायद ठाकुर जी को ये कपड़ा पहनना ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने सब खराब करवा दिया। जो उनको पसंद होता है वो तो ऐसे सिल जाता है जैसे किसी प्रोफेशनल ने सिला।
पर हमारे बाजू में काम चल रहा था ड्रिल मशीन का, तो बात नहीं हो पाई। और यहाँ पर भोग बनाया ठाकुर जी के लिए, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।